Hello student, welcome to IFS. So today we are going to discuss about Karnataka State Eligibility Test paper of 2018. In that particularly we are going to discuss organic chemistry part. So I hope this session will helpful for those students who are preparing for KSET. Okay, so we will start. Here your first question is there. क्या कहता है ये वाला question देखिए जरा. The IUPAC name of the following compound is. तो आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, काफी बेसिक सा सवाल है आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर के बेसिस पर. देखो कैसे होता है, इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एक ए ओ एच है, यहाँ पर ये दूसरा ओ एच है. ठीक है, तो हमको पूछा गया है नॉमिनक्लेचर के बारे में, तो हमको देखना है कि हर एक में देखो 2E 4E 2Z 4E 2Z 4Z 2E 4Z. तो हमको पहली तो चीज देखो डबल बॉन्ड का कॉन्फिगुरेशन, तो हाउ टू प्रेडिक्ट कॉन्फिगुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड. तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. फॉर ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर वी शुड नो प्रायोरिटी रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डबल बॉन्ड विच आर प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्ड. तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनको प्रायोरिटी देना है. प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल. क्या होता है सीआईपी रूल? ये होता है कान इंगोल्ड प्रीलॉग, PAHN, कान इंगोल्ड एंड प्रीलॉग. ये तीन साइंटिस्ट है, इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया हुआ रूल है उस रूल के हिसाब से हमको इनको प्रायोरिटी देनी होती है. एंड देन इफ दोज सब्स्टिट्यूएंट विच हैविंग सेम प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑन सेम साइड दैट टाइम दैट डबल बॉन्ड हैविंग जेड कॉन्फिगरेशन. इफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सेम प्रायोरिटी इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन दैट डबल बॉन्ड हैविंग ई कॉन्फिगरेशन. ठीक है, इतना बेसिक सा फंडा याद रखना. तो इस वाले पर्टिकुलर डबल बॉन्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ दूसरा ये सीएल है. तो ऑब्वियसली सीएल का होता है 17 एटॉमिक नंबर और कार्बन का कितना होता है 8. तो इसको क्या आएगा, इसको आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी. सीआईपी रूल आपको पता होना चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर वी आर गोइंग टू वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू दिस सब्स्टिट्यूएंट. ओके, तो इसको फर्स्ट आएगा, इसको सेकेंड आएगा. देन ऑन दिस कार्बन here is hydrogen is present and here carbon is present. So obviously carbon having higher atomic number than hydrogen. So this substituent having first priority and this having second. So on this double bond two groups which having same priority is present on same side. अगर ये दोनों same side में होते हैं बेटा तो इसका मतलब क्या है कि इसका configuration हो गया Z configuration. ठीक है, और फिर देखते हैं इस वाले का double bond का. इस वाले डबल बॉन्ड पर जरा देखो, यहां पर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन. इधर भी हाइड्रोजन, इधर कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, हाइड्रोजन को सेकंड. सेम चीज यहां, कार्बन को फर्स्ट, हाइड्रोजन को सेकंड. नाउ इन दिस डबल बॉन्ड सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स हैविंग सेम प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, इज प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड. ये भी इसका भी टू है और इसका भी टू है, वो अपोजिट साइड में है. तो ये वाला क्या हो जाएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन. अब ये तो पता चला कि जेड और ई वाला हमारा ऑप्शन है, तो ये और सी तो हमारा कैंसल आउट हो गया. अब बचता है हमारा बी एंड डी. तो वो प्रेडिक्ट करने के लिए हमको ये नंबरिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करे. तो इट्स बेसिक नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल नंबर को लिस्ट नंबर आना चाहिए. तो फंक्शनल ग्रुप इधर भी वन नंबर पर आ रहा है, इधर भी वन नंबर पर आ रहा है. सेकंड चीज क्या होता है, सेकंड चीज क्या होती है, आफ्टर फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू गिव नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट शुड कम एट लोवेस्ट नंबर, इट शुड गेट लीस्ट नंबर. ठीक है, तो इसको देखो 1, 2, 3 पर आ रहा है आपका क्लोरिन. ठीक है, यहां से देखा जाए तो इधर क्या होगा 1, 2. अब ध्यान से देना, देखना इसर इधर भी सेकंड नंबर पर कार्बन प्रेजेंट है, इस साइड से भी सेकंड नंबर पर कार्बन प्रेजेंट है. तो फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये हो रही है कि ये जो थर्ड नंबर का कार्बन है इस साइड से उधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन इस वाले कार्बन पर दिस सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट. तो प्रायोरिटी शुड बी फ्रॉम दिस साइड. तो हियर आई कैन गिव 1, 2, 3 और हियर 4, हियर 5 एंड हियर should be there. So now you can give nomenclature. See,
सेकेंड कार्बन सेकेंड डबल बॉन्ड इज हैविंग जेड कॉन्फिगुरेशन, सो आई कैन से टू जेड, टू जेड, सो हियर इज दिस टू जेड एंड हियर टू ई, सो दिस आंसर इज कैंसल आउट एंड इधर ही आपका क्या हो गया है, आंसर निकल आ गया है. आपका आंसर क्या है, सेकेंड टू जेड फोर ई थ्री क्लोरो हेक्स 2.4 डाइन 1.6 डायोल. देखो फोर पोजीशन का यह कैसा का है, ई कॉन्फिगरेशन का है, तो 2Z4E, टी पे क्लोरो है, टी क्लोरो हेक्स 2.4, 2 और 4 पर दो डबल बॉन्ड है तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम अल्कीन का ईएनई यूज करते हैं तो डाइन हो गया, और 1 और 6 पोजीशन पर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो दो मतलब क्या हो गया डाई, और OL क्या होगा अल्कोहल में से होगा, तो आपका क्या हो रहा है, दिस इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर है क्या, योर आंसर इज सेकेंड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेइंग, व्हिच इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशनल नोटेशन फॉर द फॉलोइंग एट C1 एंड C4 सेंटर. सो वी हैव टू एक्सप्लेन कॉन्फिगरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टू सेंटर 1 और 4. सो वी कैन draw this cyclohexane we can say or pyrene we can say in planar conformation. कभी भी याद रखना कोई भी conformation change करते समय कभी configuration change नहीं होता. So what is the difference between conformation and configuration? Conformational isomers are those compound which can interconvert into each other by simply rotation along single bond. मतलब दो कंपाउंड रोटेशन से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं उसको कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच कैन इंटरकन्वर्ट इनटू ईच अदर बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. मतलब उनमें ब्रेकिंग होना जरूरी है. तो अगर हम कोई कन्फर्मेशन के फॉर्म लिख रहे एक से दूसरा कन्फर्मेशन लिख रहे तो उसमें पर्टिकुलर जो अगर सेंटर पर कॉन्फिगरेशन है वो कॉन्फिगरेशन कभी चेंज नहीं होगा. तो मैं इस चेयर फॉर्म से प्लेनर फॉर्म में लिख रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. तो यहां पर देखो तो ये कहां पर है, एक्जियल है डाउन साइड में, तो मैं इधर लिख सकता हूं यहां पर डाउन साइड में OH और इधर पर्टिकुलरली क्या आएगा H. ये फर्स्ट हो गया सॉरी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. इस फोर कार्बन पर क्या है OH है, इक्वेटोरियल है, लेकिन इक्वेटोरियल पर भी कहां पर है डाउन साइड में, तो OH यहाँ पर आएगा और इस पर्टिकुलर पर क्या रहेगा बेटा H रहेगा क्योंकि एक्जियल टॉप पर है. क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू CIP रूल जस्ट गिव नंबरिंग, दिस इज कायरल सेंटर और नॉट. पहली जो चीज है आपको देखना पड़ता है कि कायरल सेंटर है कि नहीं है. तो ये कायरल सेंटर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सेंटर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. दूसरी चीज जो है Four different substituent should present. तो देखो इस वाले सेंटर पर एक हाइड्रोजन है, एक OH है, इधर ऐसा ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है, तो चार अलग अलग है. इधर भी सेम है तो ये दोनों कायरल सेंटर तो है. अब कॉन्फिगुरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू CIP रूल हमको नंबरिंग करना होता है, और नंबरिंग कैसी होती है बेटा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर नंबरिंग होती है. तो इस पर्टिकुलर पर हाइड्रोजन ऐसा एक ही है जिसका लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है, तो मैं इसको फोर्थ प्रायोरिटी दे दू क्या, लोवेस्ट एटॉमिक नंबर जिसका रहेगा उसको लिस्ट प्रायोरिटी यानी लास्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी आ जाएगी. ठीक है, तो इसको गया फोर्थ प्रायोरिटी. अब देखना फर्स्ट क्या होगा, अब कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको प्रायोरिटी जानी चाहिए. तो मैं इस ऑक्सीजन को दे दू या इस ऑक्सीजन को, अब आती है वहां पर डिसाइड नहीं हो रहा है, उसके नेक्स्ट जाना पड़ेगा. उसके नेक्स्ट इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस ऑक्सीजन को कार्बन अटैच्ड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जानी चाहिए यहाँ क्योंकि कार्बन हायर एटॉमिक नंबर वाला है इसलिए, फिर सेकंड जानी चाहिए यहाँ, फिर थर्ड जाना चाहिए यहाँ. ठीक, अब जरा देखो तो क्या हो गया, रोटेशन करना है. एक बार प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद रोटेशन, एंड रोटेशन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी एंड गोज अप टू लिस्ट प्रायोरिटी. तो यहां से यहां तक मेरा रोटेशन हो गया, एंड दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, राइट साइड में रोटेट हो रहा है ना आरो,
तो ये रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होता है तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस पर्टिकुलर का आर आना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो आर बिकम क्या? एस। तो इस वाले सेंटर का आना चाहिए एस कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले पर्टिकुलर का एस। तो मैं कहता हूं कि वन एस वाला आंसर, तो ये और फोर तो कट गया, ए और फोर तो कट गया, तो मेरा बी और सी में से आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, इसका समझे कि नहीं बेटा? एक देखो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ऐसा लिख लो तो आपको आइडिया आ जाएगी। क्लॉकवाइज रोटेशन, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए आर, बट फोर्थ प्रायोरिटी, बट फोर्थ प्रायोरिटी इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो R बिकम S, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए यस। ये चीज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इस वाले सेंटर का क्या होना चाहिए? S होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी कैसी है? टुवर्ड द ऑब्जर्वर, उसकी वजह से चेंज हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इस वाले सेंटर का देखो, इस वाले पर क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी कहां पर आएगी? इधर देखो कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली सी बात है ऑक्सीजन वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी, और इन कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लीस्ट है, तो फोर्थ प्रायोरिटी गोज टू दिस हाइड्रोजन। देन वी विल चेक ऑन दिस कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन इज प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन। सेम चीज यहां पर भी है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन, हियर ऑल्सो प्रायोरिटी कैन नॉट गेट डिसाइडेड, सो वी हैव टू मूव फर्दर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो हियर दिस कार्बन हैविंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सो हियर हियर ओनली प्रायोरिटी गेट डिसाइडेड, सॉरी हियर क्या है? ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी कन्फर्म हो गया, तो इसको क्या आना चाहिए? सेकेंड आना चाहिए, और इस कार्बन को है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन में कॉम्पिटिशन है, तो कार ऑक्सीजन जहां रहेगा उसको प्रायोरिटी आएगी, जो कि चला गया सेकेंड। फिर यहां इसको क्या रहेगा? थर्ड। अब क्या करना है हमको? देन यू हैव टू स्टार्ट रोटेशन फ्रॉम हियर, फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग एंड हियर वी आर एंडिंग, सो रोटेशन इज व्हाट? रोटेशन इज क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी रोटेशन इज क्लॉकवाइज, then similar to this we have to get R configuration, but here also fourth group is towards the observer, fourth group is towards the observer, so R become S, so iska bhi configuration kya hona chahiye? S configuration hona chahiye, kya hona chahiye? S configuration, so hoga kya S configuration zara dekhna, so aapka correct answer kahan par hoga? 1s and 4s, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 1s एंड 4s, तो आपका आंसर होना चाहिए सी ना कि बी, क्लियर है। इट्स टू सिंपल क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू नो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपका आंसर मैंने ये कर देना क्या सी है, इसका आंसर यहां पर सी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना क्या होगा इसका, विच of the following dienes is suitable as the diene component in a Diels-Alder reaction. So, इस वाले question में आपको थोड़ा सा basic से मैं बता दूं कि ये कहाँ से है। This particular is question asked from pericyclic chapter. So, in that pericyclic Diels-Alder reaction is there. For that reaction, particularly diene and dienophile are required. So, in these options only dienes are given. And we have to check which diene is appropriate for particular reaction. And we know that syn diene will give better Diels-Alder reaction. Syn or cis we can say. Means both double bonds should be present on same side. Agar ye same side mein rehte hai, tabhi jaake Diels-Alder ke liye favorable hota hai. Kyun? Kyunki agar ye wale dekho, ye wale kabhi bhi cis nahi ban sakte, always trans hai. If they are present, they are in trans configuration, then that overlapping will not occur. Agar cis mein rehte hai, so if they are present in cis configuration, that time
interaction of orbital with one is dyne and another is dynophile. So interaction with dynophile orbital will be better when dyne is cis. Okay, so this also cannot be your answer. ये भी आपका answer नहीं हो सकता, ये भी नहीं answer हो सकता. तो आपका correct answer क्या होना चाहिए? Your correct answer should be D. उसमें क्या होना चाहिए? D होना चाहिए. बात समझ रहे हो क्या? So I will give one example. Here your answer is last one. You will understand what exactly Diels-Alder reaction is. See, here is your fourth option. This is what? This is dyne. This dyne will react with this dynophile. So now in this case, particular interaction between orbital is more favorable. So that means you will get this product. This is your pericyclic reaction, Diels-Alder reaction. Check it all option. In the first option, this dyne is like this, transdyne. If transdyne will be there, now interaction with this particular orbital will not occur properly. ये orbital का lobe, ये जो orbital है, इस particular carbon पे जो lobe है, उस orbital कहीं पर longer distance पे है इस orbital से. तो इसी वजह से इन दोनों में इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होता. सो पेरिसाइक्लिक के लिए क्या होना चाहिए? Diels-Alder रिएक्शन के लिए आपका डाइन शुड बी सिस, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली सेइंग द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेंजाल्डिहाइड. द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, नहीं नहीं ये पूछा गया है, ये बेंजाल्डिहाइड रिपीट हो गया आई थिंक सो. The major product in the following reaction is, ऐसा पूछा गया. तो ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद दिस रिएक्टेंट. तो हम निकाल लेते हैं, देखो बेंजाल्डिहाइड कैसे होगा. See this question, in this particular question what is asking, the major product in the following reaction is, इस particular reaction ये repeat हो गया, इसको छोड़ दो. क्या पूछा गया? The major product in the following reaction is when benzaldehyde will react with first with this reagent and secondly with this. So what will be the product they are asking? So just write what benzaldehyde means. We have to know the structure of benzaldehyde. This is your benzaldehyde. Okay, this will react with this particular reagent. क्या name है इसका? Very common reagent it is. इट इज विट्टिग रिएजेंट. क्या कहते हैं इसको? विट्टिग रिएजेंट. और यू कैन से दैट फॉस्फरस एलाइड, इसको फॉस्फरस एलाइड भी कहते हैं. ठीक है, कैसे रिएक्ट करेगा ये वाला जरा देखो. CHOCS3, दिस डबल बॉन्ड विल स्प्लिट लाइक, विल आयोनाइज लाइक दिस. Because carbon is more electronegative, so it will abstract electron density of this pi bond towards this. So positive charge will come here and negative charge will come here. Now this particular carbon will act as a nucleophile. So I will say from here you will get directly this one. I will explain this question in detail. Now just I am going to tell you what will be the answer and how you can predict the answer within short time. Okay, you have to just know this is Wittig reagent, and Wittig reagent what it will do, just it will replace this carbon double bond oxygen with carbon carbon double bond, and same substituent whatever present in that carbon which is attached to phosphorus, that will be present on that double bond. Okay, so next thing is what? Next thing is hydrolysis and heat. So in that case, what will happen? This is like enol ether. This is like enol ether. Okay. So this will what? This will ketoenol tautomerize, and you will get ketone product. So this will go like this and protonate, and I think so you will get that like this product. आपको क्या मिलना चाहिए? आपको ये वाला product मिलना चाहिए. CH2 यहाँ C double bond H. ये प्रोडक्ट क्यों? यहाँ पर देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो यहाँ एल्डिहाइड मिलेगा. लेकिन हुआ क्या है?
ध्यान देना, सिर्फ बीच में एक कार्बन इंसर्ट हुआ है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? योर आंसर शुड बी सेकेंड, योर आंसर शुड बी सेकेंड। ये जो था डी आपका इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट ऑन रिएक्टिंग विद द सेकेंडरी एजेंट मीन्स अंडरगो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कंडीशन इट विल कन्वर्ट इनटू दिस प्रोडक्ट। ये आपके आंसर नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी इन डिटेल मैकेनिज्म। सी दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड एंड इट विल रिएक्ट विथ व्हाट, इट विल रिएक्ट विथ PPS3 डबल बॉन्ड CHOCH3। डबल बॉन्ड विल आयोनाइज इन दिस मैनर, पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन दिस फॉस्फरस एंड निगेटिव चार्ज विल बी ऑन दिस कार्बन। नाउ दिस सेंटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वाई? बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पर्टिकुलरली दिस स्टार्टिंग मटेरियल सबस्ट्रेट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज यर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। सो दिस कार्बन विल फील पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड देन ऑक्सीजन विल पार्शियल निगेटिव चार्ज। ओके, सो आफ्टर दैट वी आर हियर, वी गॉट टू नो दैट दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल ऑकर हियर, इट विल अटैक एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड वी विल गेट O माइनस, हियर इज योर हाइड्रोजन, हियर इज अटैक बाय कार्बन, सो कार्बन हैविंग दिस सब्स्टिट्यूएंट एंड हियर इज PPS3 विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। नाउ यू कैन सी दिस निगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड वी विल गेट लाइक दिस। दिस ऑक्सीजन इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉस्फरस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड विल फॉर्म पर्टिकुलरली दिस इंटरमीडिएट। हियर आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, वी नो दैट फॉस्फरस और ऑक्सीजन having more affinity, phosphorus is having more affinity towards oxygen, इनके बीच में बहुत अच्छा strong bond बन जाता है। जैसे P double bond O जो bond है वो stronger है compared to C double bond O, इसी वजह से because of this particular reason this bond will break like this and this bond will break like this, this intermediate is called as betaine intermediate. Okay, after that your product will be like this, double bond, here it comes OCH3. So this reaction was so simple, आपको देखते ही क्या करना था, ऑक्सीजन हटा के वहां पर कार्बन जुट जाना था और कार्बन पे से फॉस्फरस निकाल देना था। सी डबल बॉन्ड ओ की जगह सी डबल बॉन्ड सी फॉर्म होता है, इसी रिएक्शन को विट्टिग रिएक्शन कहते हैं, काफी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी विल डू, हियर एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज देयर, दिस ऑक्सीजन लोन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स हियर एंड दिस डबल बॉन्ड विल एक्सेप्ट प्रोटॉन या और वी कैन सो लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट लाइक दिस इंटरमीडिएट, हियर इज हाइड्रोजन गेट टेकन फ्रॉम एसिड एंड हियर इज योर ओ ऑक्सीजन विच इज हैविंग CH3, हियर इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज H एंड वॉटर इज देयर, सो वॉटर विल अटैक यू, दिस विल ऑकर लाइक दिस, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन टू स्टेबिलाइज पॉजिटिव चार्ज एंड देन वॉट यू विल गेट, हियर इज OH, हियर इज OCH3। आफ्टर दैट दिस ऑक्सीजन लोन पेयर विल शिफ्ट हियर, वाई? बिकॉज दिस ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट वन प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, एसिडिक वर्कअप इज देयर, राइट? सो दिस ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, टू स्टेबिलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज दिस ऑक्सीजन विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, रेजोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस विल बी द लिविंग ग्रुप। सो वॉट इज योर प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड हियर, हियर वन हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, हाइड्रोजन प्लस CH3OH। Now one question maybe came in your mind is that why this oxygen only accept proton, why not this oxygen? It may be, it's possible. अगर इसने
प्रोटॉन एक्सेप्ट भी किया तो क्या हो जाएगा, फिर से निकल जाएगा किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। और हम क्या कर रहे हैं, वाटर में तो वर्कअप कर रहे, तो ये रिवर्सिबल में चलता रहेगा, लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाएगी जब ये वाला ही ऑक्सीजन क्या करे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। क्लियर है क्या? तो योर फाइनल प्रोडक्ट इज लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट पी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी सिंपल। इन्होंने खुद बोला है कि इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो हमको तो बस क्या करना है, किस तरह से रीअरेंजमेंट होगा देखना है। तो ये तो हम कैंसिल आउट कर सकते कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है भाई क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट होगा, तो ये तो आंसर गलत। उसके बाद ये भी आंसर हम गलत कर सकते हैं, है ना, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। एक तो रिंग एक्सपांशन होगा ये वाली रिंग, या फिर रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगा ये वाली रिंग, ठीक है। तो योर प्रोडक्ट शुड बी सी और डी। नाउ इफ यू सी दैट दिस इज एसिडिक एसिड H2SO4, दिस ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गेट प्रोटोनेटेड एंड इट विल लीव फ्रॉम हियर एज अ वाटर। आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस जनरेटेड कार्बोकेटायन इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। पर्टिकुलर दिस बॉन्ड विल माइग्रेट हियर एंड विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हियर। नाउ कार्बोकेटायन इज प्रेजेंट ऑन दिस सेंटर। नाउ दिस सेंटर इज टर्शियरी, सो वी कैन से दैट रीअरेंजमेंट ऑकर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी कार्बोकेटायन। नाउ द इलिमिनेशन विल ऑकर एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। रिंग एक्सपेंशन विल प्रिफरेंशियली ऑकर फ्रॉम 4-membered रिंग देन 5-membered रिंग, क्योंकि 5-membered रिंग इज ऑलरेडी स्टेबल, तो आफ्टर एक्सपेंशन इट विल कन्वर्ट इन टू 6-membered रिंग, दैट टाइम ऑल्सो इट विल गेट स्टेबिलिटी। बट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिस विल बी 4-membered रिंग एंड दिस इज हैविंग रिंग स्ट्रेन, नॉट गेन मच मोर स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ बोथ 5-membered रिंग, ओवरऑल प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर स्टेबिलिटी, मच मोर स्टेबिलिटी देन 1-6 एंड 1-4-membered रिंग। गॉट इट? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। क्लियर? योर आंसर शुड बी सी। अब देखते हैं इसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म किस तरह से होगा, ठीक। तो देखो यहां पर क्या है आपका, यहां पर है OH और ये है आपकी 4-membered रिंग। यहां पर आपको दिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 कैसे होता है बेटा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हियर इज वन OH एंड हियर इज वन OH। सो नाउ दिस टाइम दिस ऑक्सीजन लोन पेयर विल एक्ट एज अ बेस एंड दिस H2SO4 इज एसिड, वी नो दैट। सो प्रोटॉन विल एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस साइड एंड योर प्रोडक्ट विल बी OH एंड 1H फ्रॉम एसिड। नाउ दिस ऑक्सीजन हैविंग 3 bonds, so it will get positive charge and it will leave from this carbon, so carbocation will generate on this carbon. This is 5-membered ring, right? This is 5-membered ring. Okay, so this is your carbocation. Now you can see that ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, तो उसी की वजह से यहाँ क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट लाइक दिस। नाउ कार्बोकेटायन विल जनरेट हियर। You can see that this is secondary and this is particularly tertiary carbocation, and tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. Intermediate में आपने पढ़ा ही होगा, basic सी चीजें होता ही है ऐसा, ठीक। अब क्या होगा देखो जरा, from this proton will get eliminated by HOSO3 minus, this will accept this proton and here elimination will occur and your product will be like this. So aapka correct answer kya hona chahiye, third should be your correct answer. Clear? Next question we will see,
what exactly saying in this question, the product x and y in the following reaction are, हमको x and y के बारे में पूछा गया है. On this starting material, when it will react with methyl lithium, what kind of product we will get, and when same substrate will react with dimethyl copper lithium, that time what kind of product we will get, we have to say that. Okay, so by observing option, you can say that it is totally based on regioselectivity. Is this which reagent will attack here and which reagent will attack here? This is our task. So we know that carbon lithium bond is more ionic compared to copper carbon bond. Carbon lithium compared to copper lithium copper carbon copper. इसमें क्या है? It having more ionic character. This bond is having more ionic character and this bond having more covalent character. So you know very well that अगर covalent character रहता है, means that particular reagent is soft in nature. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, सॉफ्ट इन नेचर. अगर सॉफ्ट नेचर है तो क्या होगा, इट विल प्रिफर 1-4 अटैक. अब 1-4 अटैक क्या होता है, व्हाट इट मींस, इट मींस अटैक शुड बी हियर, नंबर इन केस होगी 1-2-3-4 लाइक दिस. तो पर्टिकुलरली इफ रिएजेंट विल अटैक हियर, दैट मींस 1-2 अटैक विल ऑकर. इफ रिएजेंट अपकमिंग रिएजेंट विल अटैक हियर, दैट मींस 1-4 addition will occur. So which reagent will attack on which particular region or on which particular center? So methyl lithium is hard in nature, so it will attack directly on second carbon. So hard center interaction will occur and we will get why should be this. ये why आपका ये नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता. So आपका C and D is not your correct answer. Okay, वो cancel out हो गए. अब A and B में से check करें, तो copper is soft in nature, so it can attack here. So we will get this one. So आपका correct answer क्या होना चाहिए? Your correct answer should be A. This is soft in nature, it will attack 1-4. This is hard in nature, it will attack 1-2. Got it? ये होता है answer निकालने का तरीका. Now we can understand this in detail. Your answer is A. Okay, now we will understand in detail. C double bond O here methyl. Here is what? CH3 lithium. And second thing, this one react with CH3 twice copper lithium. So we have to know some basic concept about them. Electronegativity difference. Here electronegativity difference is much more compared to here. Here electronegative difference is less. So where electronegativity difference is less means their covalent character will be more. यहाँ क्या होगा, covalent character ज्यादा होगा. Covalent character ज्यादा होगा तो वो soft होगा. यहाँ ionic character ज्यादा होगा. Ionic character मतलब यहाँ पर negative charge, यहाँ पर positive charge होगा. So negative charge is more concentrated on that nucleophile. Because of this, this will attack on that center particularly where more positive charge is there. So on this particular center directly oxygen is attached. Because of this, more positive charge, concentrated positive charge will be present on here. So methyl lithium is hard and this particular center is hard. Hence hard interaction will be occur and we will get 1-2 addition product. So how this will occur? O minus your lithium plus and here will be your CH3, here is your methyl. Now workup condition will be occur and what you will get, here your OH and here is your CH3. See, hai ki nahi aapka, why, clear? So is tarah ka aapka product milega. Now what about this, isme kya hoga, ये सॉफ्ट इन नेचर है. सॉफ्ट इन नेचर है तो ये मिथिल माइनस क्या करेगा, इस पर डेल निगेटिव चार्ज होता है, कोवालेंट कैरेक्टर, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा. तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसे.
यहाँ पर मिथिल, ये वाला इधर सी एस थ्री अटैक, ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा ओ माइनस लिथियम प्लस, देन वर्कअप होगा, ये यहाँ से आके प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, ए वाला मिथिल, ए वाला मिथिल। रिमेंबर व्हाट कंसेप्ट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबरिंग, हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, और यू कैन से अल्फा बीटा, ओके, और हमें आप कह सकते हो। तो मिथिल लिथियम इज हार्ड सेंटर या हार्ड रिएजेंट, और आई कैन से दैट दिस इज हार्ड न्यूक्लियोफाइल, CH3 माइनस लिथियम प्लस मोर आयोनिक कैरेक्टर, मोर आयोनिक कैरेक्टर, हेंस इट विल एक्ट एज हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ओके, विल अटैक ऑन हार्ड सेंटर। नाउ इन केस ऑफ कॉपर, इन केस ऑफ कॉपर CH3 ट्वाइस कॉपर लिथियम, यहाँ CH3 डेल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और कॉपर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर कोवालेंट कैरेक्टर, मोर कोवालेंट कैरेक्टर, सो दिस विल हेंस इट विल एक्ट एज हेंस इट विल एक्ट एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सो हियर सॉफ्ट इंटरैक्शन विल ऑकर और हियर हार्ड इंटरैक्शन विल ऑकर। Hard interaction will occur. Okay, got it. Next question, we can see this. This is totally based on spectroscopy, organic spectroscopy. The IR stretching frequency for the compound shown below are as follow. IR stretching frequency हमको बताया गया है 3300 to 3500। यहाँ इसका मतलब क्या है, singlet, broad, है ना, यहाँ पर शार्प, इसका मतलब है शार्प और ब्रॉड दोनों ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर 3000 पर मिला है, मीडियम है, यहाँ पर 2225, यहाँ पर शार्प मिला है, 1680 का शार्प मिला है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि पर्टिकुलरली कौन सा इस सब्सट्रेट के लिए मैच होता है, यही तो आपको बताना है, क्लियर। तो जरा देखो ध्यान से, क्या हमको ये जो होता है याद ही रखना पड़ता है कि पर्टिकुलर आईआर वैल्यू। अब देखो एक बार आप स्टडी करोगे, दैट टाइम वी विल गेट टू नो दैट इट्स देयर इज नो नीड टू मग अप दिस थिंग्स, यू कैन मैनेज बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ मींस सेंटर व्हिच इज डायरेक्टली व्हिच विल डायरेक्टली अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, दैट टाइम व्हाट विल बी द डिफरेंट बिटवीन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड व्हेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट विल अटैच, दैट टाइम व्हाट विल बी द what will be the bond strength. IR spectroscopy is totally deals with bond strength. What is the bond strength? How bond strength differ with different substituent. Okay. So here you can say carbon double bond oxygen. So carbonyl, we know that generally this functional group which is having IR stretching frequency at almost 1600 to 1800, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ये क्या है, एसिड है, तो एसिड में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, तो ये कहाँ तक आएगा, लेस, तो 1650 तक या 1600 के ही नज़दीक क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर तो दिया भी है 1680 दिया हुआ है CO के लिए, क्यों, अभी तो मैंने बोला एसिड के लिए तो 60 होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर ये भी तो है, दोनों कॉन्जुगेशन है, इसी की वजह से ये क्या हो गया 1618 तक चला गया। दूसरा कहाँ पर, ये भी देखो 1618 तक, यहाँ भी देखो 1618 तक, लेकिन यहाँ CO को दिया गया है 1925, तो आपका फर्स्ट आंसर तो इधर से ही गलत हो गया,
नहीं हो सकता बेटा, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। टी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1600 टू 1800 पर सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो इसके लिए क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एसिड है तो एसिड का इधर आना चाहिए, तो तीन में से आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट हिंट वाला है आपका साइनाइड। साइनाइड की सी ट्रिपल बॉन्ड एन वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 2150 टू 2250 है ना, 2250। यहाँ पर तो हमको दिया भी है, देखो उन्होंने 2200 टू 20, ये 21 टू 50 सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 2200 टू 2150। तो यहाँ भी साइनाइड के लिए क्या दिया है, 2225, इधर भी दिया है साइनाइड को 2225, लेकिन इधर साइनाइड को दे दिया है 300, तो ये गलत हो गया। बात समझे क्या, दो फंक्शनल ग्रुप से दो वैल्यूज मैंने निकाल लिए, तो मेरे को आइडिया आ गया कि आपका आंसर सी और डी में से होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट यू कैन सी टी एच एंड ओ एच। तो ओ एच के लिए पता है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें दो आ सकता है, और कॉन्जुगेशन की भी वजह से वो क्या देता है, ब्रॉड पीक देता है, और ब्रॉड ऐसा कहा 3300 टू 3500 तक जाना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। और ये जो 300 सी एच बोला गया है, 300 सी एच, तो ये जो पर्टिकुलर सी एच है, याद रखना आपको जो इसका सी डबल बॉन्ड सी होता है वो 1600 पर सेंटीमीटर तक आएगा, लेकिन सी एच की बात चल रही है, सी एच कहाँ तक आता है, सी एच 3000 पर सेंटीमीटर तक ही आता है। क्लियर है क्या। तो यहां से मेरा कंफर्म हो गया कि ये वाला सी एच के लिए 33 से तो 3300 टू 3500 इट वोंट बिकम, तो ये वाला नहीं हो सकता, योर आंसर शुड बी डी। आर यू गेटिंग व्हाट व्हाट आई एम सेइंग, योर आंसर इज डी। तो मेनली व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर सी डबल बॉन्ड ओ 1600 टू 1800 पर सेंटीमीटर, इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। रिमेंबर सेकेंड सी डबल बॉन्ड सी 1600 टू 1700, इट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन सब्स्टिट्यूएंट। इज दिस डबल बॉन्ड इज सिंपली अल्किन, इज दिस डबल बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग, इज दिस डबल बॉन्ड इज अटैच्ड टू सम फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोनिल, डिपेंडिंग अपॉन दैट, बट इट विल कम बिटवीन दिस रेंज, ओके, इट विल ऑकर इन दिस पर्टिकुलर रेंज। देन वॉट यू हैव लर्न सी एच, तो दिस पर्टिकुलर सी एच विल कम इन 3000 पर सेंटीमीटर रेंज, ओके, एंड दैट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सी एच इज प्रेजेंट ऑन एस पी टू सेंटर। इफ इट इज इट वुड हैव प्रेजेंट इन एस पी थ्री सेंटर, दैट टाइम इट माइट बी कम इन कम अप टू 3200 टू 3300, ओके, या 3100। तो यहाँ ऑलमोस्ट क्या हुआ है, 3300 है, तो ये सी एच एस पी टू का होना चाहिए। नेक्स्ट आपने देखा ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, वो क्या है, 3300 यानी 3300 टू 3500 पर सेंटीमीटर। वॉट इट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर आईआर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वैल्यू। इफ यू विल रीड वन टाइम ऑल्सो, दैट टाइम यू विल रियलाइज दैट देर इज नो नीड टू मग अप थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड बाय जस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट, यू विल गेट आइडिया हाउ टू रिमेंबर इट, ओके। सो रीड वन टाइम यू विल गेट टू नो दैट, अंडरस्टैंड, क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द नंबर ऑफ आइसोमेरिक ड्यूटेरो एनिलीन्स फॉर्मड इज, व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मेनी आइसोमेरिक ड्यूटेरो एनिलीन्स विल फॉर्मड व्हेन दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट विथ रिएक्ट विथ KNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, दिस इज व्हाट, दिस इज योअर बेस, ओके। सो फ्रॉम हियर वी गॉट वन आइडिया दैट हियर बेंजाइन इंटरमीडिएट शुड प्रेजेंट, व्हाट, बेंजाइन इंटरमीडिएट शुड प्रेजेंट। Why I am saying,
because first thing, see here is the BR living group and here is a strong base. ये कैसा है? Strong base है, तो यहाँ benzene तो होना बनता है. और isomeric deuteroanilines तभी possible है जब क्या होगा इसमें benzene form होगा. तो ये तो आपको देखते ही आना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस. हाउ हाउ देखते हैं कैसे होगा. देखो इन डिटेल में देखते हैं. यहाँ पर आपका क्या है? बेंजीन रिंग है, ठीक है. यहाँ पर है आपका बी आर और इधर है आपका ड्यूटेरियम. जब ऐसे रहेगा तो यहाँ पर एक प्रोटॉन अवेलेबल है और यहाँ पर एक प्रोटॉन अवेलेबल है कि नहीं? तो हो सकता है एक बार में ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाए और यहां से ये ऐसे निकल जाए तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला बेंजाइन, इधर रहेगा ड्यूटेरियम. तो फ्रॉम दिस टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी विल गेट. अमोनिया विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर बेंजाइन इंटरमीडिएट एंड वी विल गेट वन टाइम NH2, यहाँ पर H और यहाँ ड्यूटेरियम. प्लस दूसरा हमें क्या मिल सकता है? दूसरा हमें मिल सकता है NH2 विल अटैक हियर, H विल हियर एंड ड्यूटेरियम विल हियर. ठीक, सेम थिंग व्हेन NH2 विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन. मैं इधर A लिखता हूँ जो कि देखो ये A है. तो अगर मैंने इसको B लिखा तो B अटैक से क्या होगा? आपको कुछ ऐसा बेंजाइन मिल जाएगा, आपको कुछ ऐसा बेंजाइन मिल जाएगा और ड्यूटेरियम रहेगा यहाँ पर. ठीक है क्या? इफ यू विल गेट लाइक दिस बेंजाइन दैट टाइम अमोनिया विल अटैक ऑन लाइक सेम टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी विल गेट. तो वन इज लाइक दिस, हियर विल बी H एंड हियर विल बी NH2, हियर इज ड्यूटेरियम एंड अनादर विल बी लाइक दिस. इट मे पॉसिबल दैट दिस NH3 कैन अटैक हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. सो NH2 विल बी हियर एंड द नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड हियर विल अब्स्ट्रैक्ट H फ्रॉम अमोनिया सोल्यूशन. दिस इज ड्यूटेरियम. ओके, सो दिस फोर प्रोडक्ट आर पॉसिबल. यू कैन चेक दैट, यू कैन सी दिस एंड दिस टू प्रोडक्ट आर सेम, बट हियर NH3 इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड पोजिशन फ्रॉम दिस ड्यूटेरियम. हियर इन दिस केस NH2 इज प्रेजेंट ऑन फोर्थ पोजिशन फ्रॉम दिस ड्यूटेरियम. हियर NH2 इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजिशन फ्रॉम दिस ड्यूटेरियम. सो दिस थ्री आइसोमेरिक प्रोडक्ट इज पॉसिबल. गॉट इट? इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरमीडिएट बेंजाइन इंटरमीडिएट. ओके, दिस इज योअर नेक्स्ट रिएक्शन. वॉट विल बी द प्रोडक्ट? द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, दिस इज द मोस्ट सिंपल. सी इन एरो व्हाट दे हैव गिवन, एच न्यू कंडीशन. यानी इसका मीनिंग क्या है? फोटोकेमिकल कंडीशन है. ठीक है, तो दो ही रिएक्शन पॉसिबल है, पेरिसाइक्लिक हो सकता है या फोटो केमिस्ट्री हो सकता है. ठीक है, फोटो केमिस्ट्री. तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए, यहाँ ये वाला तो बोल रहा है डील सल्डर से ये प्रोडक्ट आएगा, है ना. तो ये तो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि डील सल्डर पॉसिबल ओनली इन थर्मल कंडीशन. तो मेरा देखते ही ये कैंसल आउट हो गया. ठीक, ये वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्या दिखा है, 2+2 एच न्यू में पॉसिबल कंडीशन है. ठीक है, पॉसिबल कंडीशन है, ये भी तो पॉसिबल है. जिसमें क्या होगा, इसमें 1-7 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1.7 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा. तो वो भी तो पॉसिबल है, होगा. इस वाले में पर्टिकुलरली क्यों नहीं होगा? क्यों? ये तो दिखाई नहीं, ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं कि डबल बॉन्ड का कुछ ऐसा अप्रोच ही नहीं होता. ये तो पहले ही कट गया. अब कॉम्पिटिशन अगर रहेगा तो इस वाले में और इस वाले में रहेगा. तो रिमेंबर 2+2 से कहीं ज्यादा बेटर कौन जाता है? 1.7 हाइड्रोजन शिफ्ट विल ऑकर. सो दैट्स वाई योर प्रोडक्ट शुड बी दिस एंड द रिएक्शन इज 1.7 हाइड्रोजन शिफ्ट. कौन सा? यहां से प्रोटॉन गया. देखो चलो, वी कैन अंडरस्टैंड इन, वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल. यू विल सी दिस. व्हाट इज योर स्टार्टिंग मटेरियल? योर स्टार्टिंग मटेरियल इज लाइक दिस, एच न्यू कंडीशन. सो इन फोटोकेमिकल कंडीशन 1.7 हाइड्रोजन शिफ्ट विल ऑकर. ओके,
here is your hydrogen. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what exactly will occur? This particular hydrogen, this bond will accept this proton. That time this bond will shift here, this bond will shift here, and this bond will shift here. You can see abstraction of this proton will lead to move this bonding pair towards this ring, and this conjugation of this ring will stabilize the formed carbocation on this second. But this is example of pericyclic reaction, so mechanism will occur in concerted manner. So intermediate will not form in this particular reaction. Okay, so what will be your product? Your product is like this. Here is your double bond, here is your double bond, and here is your double bond, and here is your accepted proton. So this is an example of 1,7 hydrogen shift. Got it? Basic pericyclic ka reaction hai. Clear? Next reaction, see this one. What they are asking? Predict the product for the following transformation. Aapko ye pata hai DDQ kya hai? A reagent hai, dichloro dicyano quinone reagent. Okay, dichloro dicyano quinone reagent hai. Ye reagent kiske liye kya use hota hai? Mostly dehydrating agent hai. Dehydrating agent hai. Ye kya karega? Yahan se aromatic ring बना देगा। देखो product को देख के more stable product होगा, उसी को तो preference जाएगा। तो जरा ध्यान देना, अगर मैं कहूँ तो इससे भी ज्यादा ये aromaticity ज्यादा बन रहा है, aromaticity इससे भी ज्यादा ये aromatic, ये मैं simply hit and trial method से कह सकता हूँ कि इन दोनों में होना चाहिए। क्योंकि क्या इसका काम ही है, एक hydride एक hydrogen abstract करेगा और double bond formation करेगा। तो double bond भी formation करेगा तो obviously सी बात है, एक पर नहीं रुकेगा ना, करेगा तो नेप्थेलिन फॉर्म करेगा, है ना। एक इंस्टिंक्ट से कह रहा है, इंस्टिंक्ट से ऐसे दो ऑप्शन ऐसे काट सकते हैं। बाकी ये दोनों में अब कैसे जाए, अप्रोच क्या करें, जरा देखो रिएक्शन इस तरह से हम करते हैं। आंसर आपका होना चाहिए बी, ये नहीं, क्योंकि इस पर ये मिथिल मिथिल कहाँ गायब हो गए, है ना। तो इंस्टिंक्ट से ही आपका आंसर आ सकता है कि यही होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है इस रिएजेंट के बारे में तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इसका आंसर सेकेंड। ये भी कॉन्जुगेशन में, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कहाँ गए ना, गायब हुए ना, इसलिए ये नहीं आपका आंसर सेकेंड। नाउ वी विल सी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। होगा क्या, कुछ ऐसा है, ठीक, यहाँ पर मिथिल मिथिल। अब यहाँ दिया है डीडीक्यू, जो डीडीक्यू होता कैसे है? मैं यहाँ पर आपको दिखा दू, साइनाइड, यहाँ साइनाइड, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, ठीक है, ये होता है। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम दिस पर्टिकुलर प्रोटॉन अलोंग विथ देयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, अलोंग विथ दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन। वाई, क्यों होगा, तो जरा देखो मैं बताता हूँ। ये यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, बिकॉज ऑफ दिस डीडीक्यू रिएजेंट। डीडीक्यू रिएजेंट विल एनहांस टू दिस प्रोटॉन फॉर डूइंग दिस। ओके, तो होगा क्या, कुछ ऐसे होगा, मिथिल मिथिल, यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, प्रोटॉन फॉर्म हो गया। यही वाला पर्टिकुलर प्रोटॉन क्यों गया बच्चों, जरा ध्यान से देखो, आपको आइडिया आ जाएगा क्यों गया होगा। यहाँ पर है आपका सी एन, यहाँ पर भी सी एन, और इधर कौन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है। यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा ही है, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, ये ऐसा ही है, लेकिन इधर हुआ क्या, ए डबल बॉन्ड, यहाँ पर ओ माइनस, और फिर से क्या होता है कि इधर जाके ये ऐसा होता है ना, सिटोइनॉल टॉटोमरीज। तो ये क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, एंड दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन टू ऑकर। यही इस रिएक्शन का पर्टिकुलर क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। तो ऐसे एरोमेटिसिटी गेन करता है, इसलिए यहाँ से हाइड्राइड गया। अब क्या होता है, ये जो देखो बेस की तरह दिख रहा है, ओ माइनस, तो इधर तो ओ एच आ गया, कौन सा वाला, यही वाला एच, यही वाला एच आ गया, लेकिन यहाँ तो ओ माइनस है। ओ वाला क्या करेगा, देखो इधर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है अभी भी, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो माइनस निगेटिव चार्ज है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको ले लेगा।
ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, जरा देखो कुछ ऐसा मिलेगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक। और यहां क्या हो चुका है, यहां ए डबल बॉन्ड आ चुका है और इधर भी ए डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये वाला डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। तब बाहर क्या निकला आपका, देखो इधर भी OH, इधर भी OH, फुल्ली एरोमेटिक कंपाउंड बाहर निकला एंड दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। रिमेंबर, एक बार यहां से हाइड्राइड गया हुआ है पूरा हाइड्राइड और दूसरी बार यहां से सिर्फ प्रोटॉन, मैं इधर ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, तो ऐसा हुआ है, या फिर मैं इधर को इसको OH ही लिख के OH इधर आ गया और वो डबल बॉन्ड जो फॉर्म हो गया वो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सेम थिंग होगी जैसे अभी हुआ है, तो यहां से क्या होगा, फिर एक DDQ मॉलिक्यूल, यहां CN, इधर भी CN, यहां C डबल बॉन्ड, ओ सी डबल बॉन्ड, ओ सी एल, सी एल, लाइक दिस रिएजेंट इज देयर, दिस प्रोटोन और वी कैन से हाइड्राइड विल शिफ्ट, दिस हाइड्राइड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन, लाइक दिस रेजोनेंस विल ऑकर एंड वी विल गेट, ये वाला क्यों हो गया पता चला क्या बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या है, बेंजिलिक कार्बोकेटन, मोर स्टेबल कार्बोकेटन, इसलिए ये वाला गया, ये वाला नहीं गया, ये वाला नहीं गया, यही वाला गया, इधर तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं, तीन तरह के हाइड्रोजन थे उसमें से वही गया जहां से फॉर्म्ड कार्बोकेटन क्या होना चाहिए, स्टेबल। अब उसके बाद क्या होगा जरा देखो, उसके बाद क्या होगा, यहां पर ऐसा है, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहां से हाइड्राइड गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, और अब ये DDQ की क्या हालत है, DDQ ऐसा हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां CN है, यहां हो गया O माइनस, यहां पर CL डबल बॉन्ड CL, यहां डबल बॉन्ड O, यहां CN और इधर आ गया आपका हाइड्रोजन, और ये क्या करेगा, किटोइनॉल टॉटोमरिज्म करेगा। यहां देखो मैं किटोइनॉल टॉटोमरिज्म शो करके आपको दिखाता हूं होगा क्या, ये बॉन्ड यहां O माइनस, इधर CL, इधर CL, इधर हो गया OH, यहां पर है CN, यहां पर है CN, ठीक है। अब होगा क्या, सेम चीज, अब ये क्या होगा, एक बार इसने इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया, अब यही बेस की तरह काम करेगा, तो बेस की तरह करने से पहले अब यहां पर जो कार्बोकेटन है मोर स्टेबल है, कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है, लॉन्गर कॉन्जुगेशन, लेकिन फिर भी यहाँ क्या होगा, ये वाला मिथिल अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हो जाएगा, 1-2 अल्किल माइग्रेशन हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 1-2 अल्किल शिफ्ट ये वाला हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, पर्टिकुलरली ये वाला मिलेगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया इधर, अब इधर मिथिल, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये वाला जो था सेकेंडरी रेजोनेंस था, लेकिन सेकेंडरी, अब यहां पर इसको रेजोनेंस भी है और कैसा फॉर्म हो गया है, टर्शियरी फॉर्म हो गया है, इसी वजह से रीअरेंजमेंट होगा, और अब जो ये जो बेस है, ये वाला बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला इधर, ये पहले डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड और यहाँ मिथिल, यहाँ मिथिल, ठीक है क्या। मैं इधर यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूं तो कोई दिक्कत क्या, कौन सा वाला हाइड्रोजन बेटा, ये वाला हाइड्रोजन लिखा, क्लियर है। यही इस रिएक्शन का क्या है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मोर स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन। और सिर्फ एक ही नहीं बन रहा है, this as well as this both aromatic or more stable compound going to form and this is the driving force of particular this reaction. आपको लग रहा होगा ना हाइड्राइड क्यों जाता है, ऐसे ही उसको गया क्या, कुछ तो रीजन होना चाहिए उसके पीछे, सो दिस इज द रीजन, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट एंड योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक इज अल्फा डी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन वाटर ड्यू टू, इट्स बेसिक आपके 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इस चीज को म्यूटा रोटेशन कहते हैं, म्यूटा रोटेशन, इपिमराइजेशन नहीं होता,
इपीमराइजेशन मतलब आप समझ सकते हो कि क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन एक पर चेंज होना चाहिए, वो इपीमराइजेशन। कन्फर्मेशनल चेंज भी नहीं कह सकते, इवन रेसिमाइजेशन तो नहीं कह सकते। रेसिमाइजेशन मतलब क्या होगा कि इनेंशियोमेरिक मिक्सचर फॉर्मेशन करने का होगा, वो उसको पर्टिकुलर नाम है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप और स्ट्रिप। म्यूटा रोटेशन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। थ्योरेटिकली बेस्ड है ये, याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने रीड किया होगा तो आपको आराम से याद रहेगा कि अल्फा डी ग्लूकोज टू बीटा डी ग्लूकोज को जाने के लिए जाने वाले प्रोसेस को या मिक्सचर को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। वाटर में जो होता है क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन होता है। क्लियर है, ठीक है क्या? तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर के हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर के सेट एग्जामिनेशन। तो थैंक यू फॉर टुडे।